विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। मतदान वाले दिन और मतदान से पहले मंडी जिला भर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आवश्यक नौजवानों की ड्यूटियां भी निर्धारित कर दी हैं। आवश्यकता के अनुसार पैरामिलिट्री फोर्सेज भी पहुंच चुकी है। ये जानकारी डीएसपी मंडी हितेश लखनपाल ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, साथ ही शहर के अंदर आने वाले रास्तों पर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अशांतिपूर्ण घटना न घटित हो। वहीं क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार तथा मद के लिए शराब का सेवन करने वालों पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। पुलिस रोजाना अवकारी कराधान विभाग से मिलकर अवैध रूप से ली जा रही शराब को भी कब्जे में ले रही है। जैसे कि आपको बता दिया है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। पिछले काल हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हमारे पास पहुंच चुकी हैं, साथ ही साथ जो है पेट्रोलिंग पार्टी, सारे होटल्स की चेकिंग, हमारे नाके एस्टेब्लिश हो गए हैं। इलेक्शन रिलेटेड जो भी कंप्लेंट आ रही है उसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है और पुलिस हर चीज के लिए मुस्तैद है। इसमें जो है एक्साइज के जो है रोज के 3 से 4 केसेस पर पुलिस स्टेशन रजिस्टर हो रहे हैं। हमारी जो है शार्प नजर है लोगों के ऊपर, जहां पे भी इलिसिट लिकर या कोई ढाबे या रेस्टोरेंट में जो शराब पिला रहे हैं या इलेक्शन को रिलेटेड जो है शराब पिलाई जा रही है, हमारी उनके ऊपर तीखी नजर है।